हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन इन इंडिया। मैंने जैसा कि आपको पता है कि पीडियाट्रिक्स का मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जो सारा टॉपिक जो है कवर कर रही हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे लगभग 10-12 टॉपिक्स कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट रखते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन इन इंडिया। इसमें देखते हैं कि वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर करेंटली ऑपरेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड प्रिवेंटेशन ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। यानी कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट के लिए और बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए डिजीज से, ठीक है, बच्चे को बीमारी ना हो। बच्चे को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उनको इम्यूनाइजेशन, उनको वैक्सीनेशन कर सकते हैं ना, उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। फिर से कुछ प्रोग्राम्स लाए गए थे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर में आते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। पहला है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन के लिए जो है मेनली लाया गया था और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये प्रोग्राम्स का नाम आपको याद करना होगा। इसके अलावा इंटेंसिफाई पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन एंड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम थी। पल्स पोलियो के लिए प्रोग्राम लाया गया था, साथ ही साथ इंटेंसिफाई पल्स पोलियो के लिए लाया गया था। थर्ड कहता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ये स्कूल के जो बच्चे थे, स्कूल चिल्ड्रन थे, उनके लिए लाया गया था, उनके डेवलपमेंट के लिए। आई होप कि आप लोग सभी लोग इसको जानते होंगे, ICDS, यानी कि ICDS, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। यानी कि जो न्यूनेटल, जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती, डिजीज होती है, उनको क्योर करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम का, ठीक है। ये क्या है? ये कुछ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। ये जो है ना न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये सारे आप जो देख रहे हो, ये सब न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। और ये किसके अंदर आता है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में ही आता है बच्चों के, यानी कि क्योंकि देखिए मेनली बच्चों को न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था ग्रामीण इलाका में। आपने सुनना होगा मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, खिचड़ी वगैरह मिलती है। तो ऐसे प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स लाए गए थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये एक मिड डे मील, हम सभी जानते हैं खिचड़ी मिलता है, जो है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेशन प्रोग्राम। अब है कि जो जो बच्चे अंधे हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन कैसे उनको भरपूर मात्रा में मिल सके, उनका ये प्रोग्राम था। बिसाइड इज देयर आर सम अदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट चाइल्ड हेल्थ अलॉन्ग विद द अदर मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब देखिए क्या है, अब कह रहा है कि कुछ अलग प्रोग्राम है जो लाया गया ताकि वो एक तो डायरेक्टली हेल्प करे या फिर इनडायरेक्टली हेल्प करे बच्चों को प्रॉपर जो उनका डेवलपमेंट के लिए। देखिए कैसे, पहला है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब आप कहिएगा कि ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसे बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे, मतलब बच्चों के लिए कैसे ये प्रोग्राम हुआ? ये तो एडल्ट के लिए भी हो सकता है, ये तो बूढ़े लोगों के लिए भी हो सकता है। देखिए ये बात सच है, लेकिन हमने पहले ही बोला कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, हो सकता है कि डायरेक्टली हेल्प करे या फिर इनडायरेक्टली हेल्प करे। अगर बच्चे को हम टीवी से बचाएंगे, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, तो क्या बच्चों का प्रॉपर जो हेल्थ है वो सही रहेगा ना, प्रिवेंट होगा ना? तो वही कह रहे हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया, नेशनल लिप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम लाया गया, नेशनल एंटी मलेरिया काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया। ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। एंटी मलेरिया प्रोग्राम्स करते हैं, लिप्रोसी से प्रिवेंट करने के लिए हम लिप्रोसी करते हैं, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए लगते हैं, मलेरिया से प्रिवेंट करने के लिए एंटी मलेरिया प्रोग्राम लाया गया था, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है मेनली, तो इसमें जो है एड्स आता है उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझ में आ जा गया होगा। उसके बाद देखते हैं फिर है नेशनल सर्विसेज प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि जो इन्फेक्टेड इन्फेक्शियस डिजीज है, उनके लिए लाया गया था। फिर नेशनल आयोडीन डिफिशेंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। आपको पता हो पहले क्या केस में क्या होता था ना, कि बच्चों में नमक का बहुत ज़्यादा, आयोडीन की बहुत ज़्यादा जो है कमी होती थी, तो इसलिए उनके लिए प्रोग्राम लाया गया था। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है, उनका मेंटल जो है बिल्कुल सही हो, उनका एग्जामिनेशन प्रॉपर से होता था इस एग्जामिनेशन में। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम था, फिर नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम था। देखिए ये जो आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं ना, ये जो है इनडायरेक्टली जो है ना कहीं हेल्प कर रहा था। मैं साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपको हेल्प करेगा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर बच्चों का मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो बच्चा क्या होगा, हेल्दी होगा, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम्स के बारे में है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग, आप पीडियाट्रिक्स का सीरीज चल रहा है, ठीक है, मैं प्रॉपर थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को देखते हैं ना, लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। देखिए आपके एक सब्सक्राइब से जो है ना सामने वाले को बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो जेन्युइन है, अच्छा है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू गाइज।